लोकायुक्त विभाग ने उद्यानिकी विभाग के संयुक्त संचालक को शासकीय बंगले में 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि संयुक्त संचालक 25,00,000 रुपए के बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। इसकी शिकायत पीड़ित ने जबलपुर लोकायुक्त में की थी। जबलपुर के एक नर्सरी संचालक हैं, जो पौध की नर्सरी लगाई हुई और सरकारी सप्लाई करते हैं। इनके द्वारा परसों एक रिपोर्ट की गई थी लोकायुक्त एसपी श्री विश्वकर्मा साहब के समक्ष कि संयुक्त संचालक उद्यानिकी विभाग जबलपुर संभाग पुराने बिल जो 25,00,000 इनके पेंडिंग हैं उनको निकालने के एवज में 1,25,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसकी आज तस्दीक की गई। और श्री आरवी राजोदिया संयुक्त संचालक उद्यानिकी जबलपुर संभाग को उनके निवास स्थान आधारताल में 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि संयुक्त संचालक के आवास के साथ ग्वालियर स्थित मकान में भी लोकायुक्त टीम ने दबिश दी। साथ ही उनके पास भिंड जिले के शुकलपुरा गांव में पैतृक संपत्ति की भी जानकारी मिली है। आरोपी संयुक्त संचालक के पास बैंक अकाउंट, जमीन और निवेश से संबंधित कई अहम दस्तावेज मिले हैं। जबलपुर से न्यूज़ के लिए हरीश दुबे की रिपोर्ट।